हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रिविट आर्किटेक्चर के अंदर जो आपका ग्लास की लॉकिंग होती है, स्पाइडर लॉकिंग जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस तरीके की लॉकिंग हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो काफी कंपनी की सभी अलग अलग होती है, बट हम एक नॉर्मल से बना के देखेंगे। अगर आपको एक बार नॉर्मल बनानी आ गई, फिर आप जितने भी कंपोनेंट है उसे अटैच तो आप अपने तरीके से कर ही सकते हो। तो हम एक नॉर्मल सा बना के देखेंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो इस टाइप का प्रोफाइल बनाने के लिए, जैसे मेरे पास ये वाला प्रोफाइल है, तो सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे इसका ये वाला प्रोफाइल, जो ये स्पाइडर वाला प्रोफाइल है, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे ये वाला जो आप बेस पे, जो आपका ग्लास पे चिपकेगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्रिएट करेंगे, जब हम इसको लगाएंगे ग्लास के ऊपर, तो उसके पीछे की जो सपोर्ट होगी वो हम क्रिएट करेंगे, जो यहाँ पे आपको देख पा रहे हो पीछे की सपोर्ट जो होती है इसकी, जैसे ये लॉकिंग हो गई, कहीं पे रोड लगती है रेक्टेंगुलर या सर्कुलर, तो वो चीज हम यहाँ पे क्रिएट करें। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फैमिली एक न्यू ओपन करेंगे, मैट्रिक फैमिली में हम क्रिएट करेंगे, और सबसे पहले लेंगे हम मैट्रिक जेनरिक मॉडल फेस बेस्ड। फेस बेस्ड क्यों लेंगे, क्योंकि जो आपका वो लॉक लगेगा वो फेस के ऊपर लगेगा, तो हम कुछ ऐसी फैमिली लेंगे जो वॉल से चिपक जाए, ठीक है। तो फेस बेस्ड फैमिली ओपन पे क्लिक करो, आपके पास इस तरीके का एक फेस आएगा जिस जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो ये फेस है, अगर आप 3D पे जाके देखेंगे तो एक सिंपल एक एक्सट्रूड किया हुआ फेस है। इस फेस के ऊपर हम उस चीज को डिजाइन करेंगे ताकि हम उसे अपने उसमें प्रोजेक्ट में यूज कर पाए। तो मैं रेफरेंस लेवल पे यहाँ पे जाता हूँ। अब आपको करना क्या है, एक्सट्रूजन पे क्लिक करें। एक्सट्रूजन पे क्लिक करने के बाद एक प्रोफाइल बनाए 45 डिग्री के एंगल पे। मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, एक लाइन मैंने क्रिएट की, और उसके बाद मैं यहां से क्लिक करके नीचे की तरफ एक लाइन लेता हूं, मान लो 120 पे या कितना भी आप ले सकते हो, और यहां पे आप इस पे क्लिक करें। उसके बाद इन दोनों लाइन को आप सिलेक्ट करें और आप मिरर कर दें इस एक्सिस के थ्रू, तो इस तरीके से आपका मिरर हो जाएगा। और अब आप आर्क की हेल्प से इन दोनों को सिलेक्ट करें और इस तरीके से आर्क क्रिएट कर दें। आर्क को क्रिएट करने के बाद मिडल पार्ट को आप सिलेक्ट करें, डिलीट करें एंड फिनिश कर दें, तो आप 3D पे जाके देखेंगे कि आपका कुछ इस तरीके का प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इस प्रोफाइल को मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं नीचे से इसको 40 mm तक ऊपर उठा देता हूँ, क्योंकि नीचे से मेरा वो स्पेस बनेगा, आगे अभी समझ जाओगे। और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ किसी भी तरीके से, कि कितने की हाइट मेरे को चाहिए, जितना भी स्लोप मेरे को चाहिए बेसिकली, ठीक है। जो भी आप यहाँ पे स्लोप रखना चाहें वो स्लोप रख सकते हैं। तो ये वाला प्रोफाइल मेरा क्रिएट हुआ, बट जो मेरा ओरिजिनल प्रोफाइल है वो तो इस तरीके से है कि थोड़ा सा तिरछा है। तो ये जो आपका स्लोप कटिंग होगी, अब हमें इसके अंदर से वो स्लोप को कट करना पड़ेगा। उस स्लोप को कट करने के लिए मैं क्या करूंगा, रेफरेंस प्लेन पे जाएंगे हम, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, रेफरेंस प्लेन लेंगे बेसिकली सेंटर से और यहां तक इस तरीके से, और इसको नेम डाल दूंगा मैं, मान लो AA, ये मैंने इसका यहाँ पे नाम रखा AA, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट AA, एंटर, ये आपका नेम आ गया। अब आपको जाना है 3D में। 3D में जाने के बाद आप यहां पे क्लिक करें क्रिएट पे। अब आप क्रिएट करें वॉइड एक्सट्रूजन। वॉइड एक्सट्रूजन पे जाएं, सेट पे क्लिक करें, पिक नेम से पिक करें आपका रेफरेंस प्लेन एंड क्लिक करें ओके। अब आपका जो रेफरेंस प्लेन है वो सिलेक्ट हो गया है। अब आप इस पे क्लिक करें, उस रेफरेंस प्लेन पे एक इस तरीके से रेक्टेंगल क्रिएट कर दें। ये आपका जो रेक्टेंगल क्रिएट हुआ है वो आपके रेफरेंस प्लेन पे हुआ है। अब इसके फ्रंट पे जाने के लिए, जिसमें हमने ये 45 डिग्री के एंगल पे बनाया था, तो आप यहां पे क्लिक कर दें, तो अब आपका ये बिल्कुल फ्रंट आ जाएगा। अब आप क्या करें, लाइन की हेल्प से यहां से एक लाइन लगाएं यहां पे, और यहां से इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर दें, और यहां से एक लाइन लगा दें इस तरीके से यहां पे। बेसिकली मुझे ये बीच वाला पार्ट चाहिए अपने स्पाइडर के उस पार्ट के लिए, तो मैं ट्रिम एक्सटेंड टू कॉर्नर लेके इसको मिला देता हूं आपस में। इसको मिलाने के बाद अगर मैं फिनिश करता हूं और इसको ड्रैग करता हूं, तो आप देखेंगे बीच वाला पोर्शन बचा है और बाकी पोर्शन कट हो गया है। जो हमें मेन पोर्शन ये चाहिए था इस तरीके का, तो ये तरीके का पोर्शन हमारा आ चुका है, क्लियर। अब इस पोर्शन के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, मटेरियल पे क्रिएट करते हैं, और इसको हम एल्यूमिनियम का मटेरियल डाल देते हैं। यहां से हम AEC मटेरियल पे क्लिक किया, मेटल एल्यूमिनियम, ड्रैग किया, यूज एंडर अपीयरेंस एंड ओके, ये आपका एल्यूमिनियम का यहाँ पे मटेरियल आ गया, क्लियर। अब इसकी बैक की सपोर्ट के लिए, अब बैक की सपोर्ट कौन सी, जो ये वाली सपोर्ट बनेगी, ये हमें क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं रेफरेंस लेवल पे जाता हूँ,
क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, एक्सट्रूजन लेता हूँ, सर्कल लेता हूँ और एक सर्कल में इसके बीच में इस तरीके से क्रिएट कर देता हूँ। फिनिश पे क्लिक करो, फ्रंट पे जाओ और इस सर्कल को जो यहाँ पे बना हुआ है इसको मैं नीचे तक ले आता हूँ यहाँ पे, और यहां से इस तरीके से आपका आ गया। अब दोबारा रेफरेंस लेवल पे जाओ और यहाँ पे क्लिक करो, दोबारा से एक्सट्रूजन लो, सर्कल लो, इसके सेंटर से मैं एक और बड़े वाला सर्कल बना देता हूँ जो दीवार पे, जो आपकी फेस पे चिपकेगा। फिनिश पे क्लिक किया, फ्रंट पे क्लिक किया और इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रूजन एंड कर देता हूँ 10 mm पे। तो ये आपका देखो ये वाला पार्ट आ गया और इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो बेसिकली 3D पे जाके देखोगे तो इस तरीके का आपका एक पार्ट आ गया। आप इस पे क्लिक करो, मटेरियल पे क्लिक करो, एल्यूमिनियम का मटेरियल डाल दो, इस पे क्लिक करो एल्यूमिनियम का मटेरियल डाल दो। अब आपके पास तीन प्रोफाइल है और इन तीनों प्रोफाइल को आप अटैच कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन पे क्लिक करें, इन तीनों पे क्लिक कर दें, ये तीनों प्रोफाइल आपस में ज्वाइन हो जाएंगे। अब ये एक सिंगल प्रोफाइल बन गया। ये तो हो गया हमारा स्पाइडर का काम। अब हमें वो पैनल ही बनाना है, जिस जो ग्लास है हम वो वाले ग्लास नहीं यूज करेंगे जो आपके कर्टन पैनल में है, हम अपना ही ये कर्टन पैनल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप फाइल पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, फैमिली पे जाएं और फैमिली पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कर्टेन वॉल पैनल, ये आपको लेना है बेसिकली, एंड ओपन पे क्लिक करें। तो ये आप देख पा रहे हो टॉप से, आप जाओ एक्सटीरियर साइड पे तो आप देखेंगे इतना बड़ा ग्लास के लिए इसने रेफरेंस आपको दे दिया है। तो इसके बाद आप एक्सट्रूजन पे क्लिक करें, रेक्टेंगल लें और एक रेक्टेंगल इस तरीके से इस पे बना दे और रेक्टेंगल बनाते ही चारों को लॉक कर दे ताकि वो रेफरेंस से अटैच रहे। क्लियर है? ये करने के बाद मैं यहाँ पे थिकनेस दे देता हूँ ग्लास की, मान लो 10 mm, ये मैंने 10 mm की थिकनेस दी, या फिर मैं 5 mm की थिकनेस दे सकता हूँ, जो भी जितनी भी mm की मेरे को थिकनेस चाहिए। आप फिनिश पे क्लिक करें, 3D पे जाएं तो आप देखेंगे आपका इस तरीके से यहाँ पे ग्लास रेडी हो चुका है। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे थिकनेस दी है वो दी है एक्सटीरियर की साइड, तो मैं क्या करता हूँ इसको तो करता हूँ 0 और एक्सट्रूजन स्टार्ट को मैं -5 कर देता हूँ ताकि बाहर की तरफ एक्सट्रूजन आए। उससे क्या होगा, एक्सटीरियर इंटीरियर से जो आपका चिपकेगा ना वो इसके अंदर नहीं आएगा, वो उसके बाहर चिपकेगा। ये जब फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। इसको क्लिक करें और इसका मटेरियल हम रखेंगे ग्लास का, ये मैंने ग्लास का मटेरियल रखा और ये मेरा ग्लास आ गया। अब इस ग्लास के ऊपर मेरे को वो स्पाइडर को चिपकाना है, प्लेस करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने स्पाइडर वाले पार्ट पे जाऊंगा, इसको मैं कर दूंगा लोड इनटू प्रोजेक्ट। किस प्रोजेक्ट में, जो मेरा ये प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट ओपन था। आप एक्सटीरियर पार्ट पे जाएं और एक्सटीरियर पार्ट पे जाने के बाद क्रिएट पे क्लिक करें और कंपोनेंट पे क्लिक करें, तो ये आपका कंपोनेंट आ गया। देखो यहाँ पे आप इस कंपोनेंट को आप चारों डायरेक्शन में स्पेस प्रेस करके ऐसे लगा सकते हैं, ये आपने प्लेस किया। अब वॉल के अकॉर्डिंग टू फेस हमने ये बनाए थे कंपोनेंट, तो अपने आप ये वॉल से अटैच होते जा रहे हैं। ठीक है, अब अटैच होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे अटैच हो गया। अगर एक्सट्रूजन मैं इधर की तरफ करता तो ये 10 mm इसके ऊपर ओवरलैपिंग आ जाती। क्लियर है? तो इसके बाद हमें एक्सटीरियर पे दोबारा जाना है और अब करना है अलाइनमेंट का काम। क्लिक ऑन अलाइन, ये पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। हम क्या करेंगे, इस रेफरेंस लेवल के अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर देंगे एंड लॉक कर देंगे, इस रेफरेंस लेवल के अकॉर्डिंग इसको अलाइन कर देंगे एंड लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इस रेफरेंस लाइन के अकॉर्डिंग इसको लॉक कर देंगे और इसको अलाइन कर देंगे, इससे एंड लॉक कर देंगे। तो ये चारों के ऊपर आपको करना है, अलाइन करना है पहले एंड उसके बाद डायरेक्टली लॉक कर देना है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये चारों लॉक हो चुके हैं। अब ये तो हो गया स्पाइडर का काम, अब हमें काम करना है जो इसके ऊपर इसको सपोर्ट देगी। जब ये अटैच होंगे तो यहाँ पे भी तो हमें सपोर्ट चाहिए, एक रोड लगेगी हमारी रेक्टेंगुलर। तो उसके लिए मैं रेफरेंस लेवल पे जाता हूँ और रेफरेंस लेवल पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ से एक्सट्रूजन लेता हूँ। एक्सट्रूजन लेने के बाद रेक्टेंगल लेता हूँ और एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, ये करने के बाद मैं अलाइन करता हूँ इस पार्ट से इसको और लॉक, इस पार्ट से इसको एंड लॉक एंड इस पार्ट से इसको एंड लॉक। और उसके बाद एनोटेट, आप यहां से चूज करें अलाइन, यहां से यहां तक की डायमेंशन लें और इसको भी लॉक कर दें। क्लियर है? ऐसे यहां पे आए, इसको सिलेक्ट करें, अंडू, इस पार्ट को सिलेक्ट करें, मिरर कर दें यहां पे
और मिरर करने के बाद दोबारा से अलाइन कर दे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, एंड यहां से एनोटेट अलाइन, इसको यहां पे आए और आप यहां से इस तरीके से मिरर कर दे और इसको कर दे लॉक। क्लियर। अब आप देखो ये जो आपने पार्ट बनाया था वो इसके थिकनेस के अंदर आ रहा है, वो थिकनेस के अंदर है। फिनिश करें तो आप इसकी थिकनेस को सिलेक्ट करके आप इसकी थिकनेस को बाहर की तरफ भी कर सकते हो कि ये मुझे अंदर की तरफ नहीं, मेरे को इधर की तरफ चाहिए। तो -5 से आप स्टार्ट कर सकते हो और -2 तक यहाँ पे मेनली ये इसके ऊपर आना चाहिए पार्ट आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हो -10, तो यहाँ पे आपका इस तरीके से पार्ट आ जाएगा। क्लियर है। अब ये मेरा क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और एक्सटीरियर पे जाता हूँ और इसको ड्रैग करके पैनल को ऊपर की तरफ ले आता हूँ और इसको भी यहां से मैं लॉक कर देता हूँ। तो अब आप 3D में जाके देखोगे तो इस तरीके का आपका पैनल क्रिएट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। और इसकी थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लॉक किया हुआ है। मैं दोबारा से जाता हूँ रेफरेंस पे, इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको बेसिकली लॉक किया हुआ था, तो इसको सिलेक्ट करके मैं इसकी थिकनेस को अभी कम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ दोबारा से और इसको एडिट एक्सट्रूजन पे जाता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कम कर देता हूँ। अब अगर मैं कम करूंगा यहाँ पे तो ये इस तरीके से आपका कम हो जाएगा। पहले मैं इसको क्लिक करके अनलॉक करता हूँ और अनलॉक करके अब मैं इसे कम करता हूँ क्योंकि मेरे को इतनी थिकनेस नहीं चाहिए, तो मैं थोड़ी कम थिकनेस यहाँ पे रख लेता हूँ। अब यहाँ से एनोटेट पे क्लिक करके इसको अलाइन कर देता हूँ और अब लॉक कर देता हूँ। एंड सेम मैं इसको करता हूँ, 427 मैंने यहाँ पे किया, तो इसको क्लिक किया, अनलॉक किया, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट किया और इसको सिलेक्ट करके मैं यहां से कर देता हूं इसे 427 सेम आपका वहां पे, वरना आप वहां से इसको कॉपी भी कर सकते थे। और इसको मैंने यहां से लॉक और ये लॉक, ठीक है। आप कर दो फिनिश इसे 3D, तो अब आप देखो इस तरीके का पैनल आ गया। और इनको भी आप सिलेक्ट करके आप इन्हें मटेरियल डाल सकते हो एल्यूमिनियम का और ये आपका एल्यूमिनियम का मटेरियल आ गया। क्लियर है। अब आपका ये बनके रेडी है। अब आपको क्या करना है, फाइल पे क्रिएट करें न्यू और प्रोजेक्ट है यहां से आप ले सकते हैं और कोई भी प्रोजेक्ट आपने यहां पे लिया, ओके करें। ओके करने के बाद अब आप यहां से एक वॉल कर्टेन वॉल ले, नॉर्मल वाली, ये आपने नॉर्मल कर्टेन वॉल ली। अब इस नॉर्मल कर्टेन वॉल में हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट टाइप पे जाते हैं और एडिट टाइप पे जाने के बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसके अंदर वो पैनल्स बनाएंगे। अब जो आपके पैनल्स थे, अब कितने कितने आपको पैनल बनाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो अगर मैं बात करूं इस 3D की, ये जो मेरा पैनल था, ये जो मेरा एक पैनल है, सबसे पहले तो हम इसी को यहीं से ही एडजस्ट कर सकते थे कि मेरे को कितने बाई कितने का पैनल चाहिए। अब ये पैनल है 3000x4000 का, 3000 हॉरिजॉन्टल 4000 वर्टिकली। अब अगर जो आप अपने प्लान में यहां पे जाओगे, अपने इस प्लान पे जाते हो इस 3D पे, तो मैं एडिट टाइप पे करके और यहां से एक पैनल क्रिएट करता हूं, एक लेआउट क्रिएट करूंगा, वर्टिकल ग्रिड। जो वर्टिकल मेरे को ग्रिड चाहिए वो मेरे को चाहिए, मैं मैक्सिमम स्पेसिंग और यहां पे कर देता हूं 300 कि मेरे को 300 पे कटिंग दे दो, और हॉरिजॉन्टली मेरे को मैंने कर दिया मैक्सिमम स्पेसिंग 400 या फिर मैंने फिक्स डिस्टेंस कर दिया, फिक्स डिस्टेंस। अगर आप अप्लाई करते हो अब यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे इस तरीके से आपके पैनल्स क्रिएट हो गए सेम साइज के, जो आप नहीं, वो 3000 था बेसिकली। तो आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप 3000 करेंगे और यहाँ पे आप 4000 करेंगे, तो आप ये देखें 3000x4000 के इस तरीके से आपके पैनल क्रिएट हो गए। अब इसके ऊपर आप क्या करें, सिलेक्ट करें, एडिट टाइप पे जाएं और यहाँ पे जो आपके कर्टेन पैनल है इसे नन पे हटा के, जो आपने यहाँ पे अब पैनल बनाया है वो अभी यहाँ पे नहीं आया तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जाओ 3D में, लोड इनटू प्रोजेक्ट करो, जो आपका प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट 2 उसमें आप ओके करें तो उसके अंदर वो लोड हो गया अभी। अब आप यहाँ पे 3D पे जाएं, सिलेक्ट करें, एडिट टाइप पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके आप नीचे आएंगे तो ये आ गया आपकी फैमिली 2 एंड आप कर दे ओके। तो अब आप देखेंगे जो पैनल्स वहां पे लगे थे आपके वो इस तरीके से यहाँ पे आ गया आपकी, क्लियर है। ये आपकी स्पाइडर वाली फिटिंग आ गई यहाँ पे। अब यहां से आप देख सकते हैं कि अब आप बनाने के बाद आपने देखा ये वाला साइज आपको कम लग रहा है, आप इसे बड़ा कर सकते हैं,
ठीक है, जो एंगल आपको कम लग रहा है उसको आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, और जितने भी टाइप के ये थे ये सारे एलिमेंट आप वहां पे क्रिएट कर सकते थे जब आपने उस स्पाइडर को क्रिएट किया, और उसके साथ उस सारे प्रोफाइल को ज्वाइन कर सकते थे ताकि यही प्रोफाइल आपका यहाँ पे इंपोर्ट होता। तो तरीके बहुत हैं चीजों को करने के, अब आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप चीजों को क्रिएट करते हो। तो ये एक बेसिक सा मेथड था जिसकी हेल्प से आप इस तरीके से स्पाइडर की जो वॉल है वो क्रिएट कर सकते हो, लॉकिंग क्रिएट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है। प्लीज अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वंदे मातरम।